एंड हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु पे। मजाक मजाक में हम फिर से आ गए और फिर से हम डिविजिबिलिटी को सीखेंगे। पार्ट 3 आज पार्ट 3 में कराने जाने जा रहा हूँ। आप में से जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया उसको एक बार देख लीजिए और फिर आप पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। पार्ट 3 में थोड़ा सा आज मैंने क्वेश्चन हाई लेवल थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रखा है, पार्ट 4 में अगेन इससे ज़्यादा रहेगा और CGL के लिए बहुत कामगार वीडियो रहेगी आपकी, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें। आज पार्ट 3 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली पार्ट 3 डिविजिबिलिटी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज बेसिकली 3 कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, बड़े आराम से और बड़े प्यार से पढ़ेंगे और लगभग मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा अर्थमेटिक का, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज जो 3 कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं, पहला कंसेप्ट है कि जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कभी आपको कि इस तरीके से 6 times 7 को रिपीट किया गया है और आपने इसको 13 से डिवाइड करना है और आपको इसका रिमाइंडर बताना है, ये क्वेश्चन कभी भी आपको दे दिया जाए। अब एक चीज आपने समझनी है कि इसमें पैटर्न क्या है और कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं कि जब जब कोई नंबर को 6 times आप रिपीट करते हो तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है कुछ 4 नंबर से। वो 4 नंबर कौन से हैं, नोट कीजिएगा उन्हें। वो 4 नंबर हैं आपके 7, 11, 13, 37। ये वो 4 नंबर हैं। अगर आप 6 times किसी की रिपीटेशन करते हो तो वो 7, 11, 13 और 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लॉजिक क्या है कि अगर आप इसको देखो, इसमें से 7 कॉमन निकाल लेते हो तो 6 times आपका 1 बचता है और वो डिविजिबिलिटी पूरा करते हैं 13 की, 11 की, 7 की, 13 की और 37 की। तो सीधा मैं यहां से कह सकता हूं कि जब जब किसी नंबर को 6 times रिपीट किया जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली किससे, 13 से। तो इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बट कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए आपको इस तरीके से दे देता है 7, 7, 7, 7, 7 और 1, 7, 4 और 3, 7, 1, 7 और देता है और अब कहता है कि 13 से डिवाइड कीजिए। अब हमें पता है कि 6 times अगर रिपीट होता तो रिमाइंडर यहां तक क्या होता, 0। तो हम देखेंगे कि अब बाकी बचे डिजिट्स रिमाइंडर को लेके आएंगे, तो 77 को हम डिवाइड कर लेंगे 13 से और जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 13 5 65, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें रिपीटेशन दिया जाए तो आपने बहुत अधिक नहीं सोचना है, आपने ये देखना है कि कितनी बार उसमें 7 आया है या कितनी बार कोई डिजिट रिपीट हुई है। लाइकवाइज ले लेते हैं अभी, तो जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि डिफिकल्टी लेवल या कुछ भी तब तक होता है जब तक आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है। जैसे कोई चीज आपके समझ में आएगी तो आपका काम हल हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से नंबर दिया गया है 8888 और इसको 184 times दिया है और डिवाइड करना है इसे 37 से और आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, तो फ्रेंकली आपने सीधा क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसमें कितनी बार 8 को रिपीट किया गया है, 184 बार किया गया है। तो आप ये चेक कीजिए कि 184 में 6 के कितने जोड़े बन सकते हैं, क्योंकि हर 6 पर रिमाइंडर 0 रहेगा तो उतनी टर्म से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब मुझे पता लग गया 184 को जब 6 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 4 बच जाता है। रिमाइंडर 4 बचने का मतलब है कि 30 6 के पेयर पूरे बनेंगे तो लास्ट में 4 8 ऐसे बच जाएंगे जो रिमाइंडर देंगे आपको, तो लास्ट के 4 8 आप ले लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। तो 37 से आपने डिवाइड किया इसको, तो 37 से ध्यान से डिवाइड करेंगे, 37 × 74 = 14, 37 × 148 तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर आपके पास आया 8। इस नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप चेक कर लेना, वैसे भी डिवाइड करके 37 × 74 = 14, 37 × 148 पूरा पूरा कट गया तो लास्ट में 8 ही आपका क्या रहा, रिमाइंडर रहा, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए मैं इस कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं जो आपको घर पे ट्राई करने हैं और कृपया अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक लगभग कितनी बार है, 13
पोस्ट द रिमाइंडर, पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर टू, सेवन 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 363 टाइम्स, 363 टाइम्स डिवाइड करना है किससे, 11 से. अगेन आपको क्या बताना है रिमाइंडर कितना होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5555 244 टाइम्स, और आपने इसको डिवाइड करना है किससे, 37 से. तो आपने अब इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आपने पोस्ट करने हैं. ये था आपका पहला कंसेप्ट आज का. मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है. सिक्स टाइम्स रिपीटेड देन डिविजिबल बाय फोर नंबर्स, 7, 11, 13, 37. चलिए अब कंसेप्ट टू पे चलते हैं, जो आज का कंसेप्ट टू है. कंसेप्ट टू में क्या करना है आपने, कंसेप्ट टू में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है. ये क्वेश्चन देखने में डरावने हैं, जैसे होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, करने के कुछ होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा. 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 अप टू इन दिस वे 10 की पावर 100 डिवाइड बाय 6 और रिमाइंडर आपने बताया. अब हमेशा क्वेश्चन पैटर्न पे ही पूछे जाते हैं, इस बात को फिट कर लो, दिमाग में कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा. जैसे नॉर्मली लोग शादी के बाद एक बात मान जाते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो मेरे हाथ में तो नहीं है, सामने वाला करेगा, उसी तरीके से इसमें भी है कि कुछ पैटर्न फिक्स है उसी पे ये काम करता है. अब वो देखो क्या करना है, जब 6 से डिवाइड करते हैं हम 10 को या 10 की किसी भी पावर को, तो अगर मैं ये कहूँ 10 की पावर n को जब भी कभी 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 4. पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर 4 की पावर n हो और डिवाइड बाय 6 करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 4. ये पार्ट टू या पार्ट वन वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में. तो अब पावर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 10 को 6 से भाग करोगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, 4. अगर 10 की पावर 2 ले लूं और फिर 6 से डिवाइड करूं तो अब भी अगर आप डिवाइड करोगे 100/6, अब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4. और 10 की पावर 3 को मैं डिवाइड करूं 6 से, अब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा. तो इन एनी केस कि 10 की पावर कुछ भी रहे, अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी पूछी जाती है तो हमें पता है कि रिमाइंडर हर केस में 4 रहेगा. क्लियर इतना. चलिए मेरे ख्याल में आपने रख लिया होगा इसको नोट करके. अब समझते हैं कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है. अब एक बात ध्यान से देखो कि मुझे इस पूरी टर्म को 6 से डिवाइड करना है, तो जब यहां भी 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा, तो यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा, यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा और यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा. और रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आप अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो उनसे रिमाइंडर आया है अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब इन तीन टर्म से 12 बनेगा और 12 जो है वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4 रिमाइंडर. रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अलग अलग रिमाइंडर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 12. 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 0. इट मींस कि हर तीन टर्म का कलेक्टिवली रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि पहली दूसरी तीसरी फिर नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स 0, सेवन्थ एट नाइन्थ फिर 0. इन दिस वे आप ये कह सकते हो कि हर तीन टर्म पे रिमाइंडर ने 0 होना है. तो आप ये देखिए कि यहां पावर कितनी है, 100, मतलब ऐसी ऐसी कितनी टर्म लिखी गई हैं, 100 टर्म. तो आप चेक करते हो कि इन 100 टर्म्स में तीन तीन के कितने पेयर बनेंगे, तो 33 या 99 होते हैं, तो रिमाइंडर 1 आ गया. उसका मतलब ये है कि 10 की पावर 100 से पहले 10 की पावर 99 तक रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, क्योंकि तीन तीन के पूरे 33 जोड़े बढ़ेंगे 99 तक. उसके बाद सिर्फ ये बचेगा आपके पास 10 की पावर 100. तो रिमाइंडर अगर बचेगा तो वो किससे बचेगा, सिर्फ 10 की पावर 100 से. तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 100/6, ठीक. और मैंने कहा था 10 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर कितना रहेगा, 4 रहेगा. क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया है. पॉज करें, डाउट अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें. अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ी फेरबदल की जाए लाइक दिस, कि यहां जैसे कि 10 की पावर 100 तक लिखा रहे और मैं इसको लिख दूं 10 की पावर 100 + 10 की पावर 101. अब सेम काम अगर 6 से डिवाइड करना है तो मुझे यह पता है कि 10 की पावर 99 तक तो रिमाइंडर 0 आएगा. सेम कंसेप्ट कि हर तीन टर्म पे रिमाइंडर क्या होता रहेगा, 0 होता रहेगा.
तो इसके बाद जो दो टर्म बचेगी इसी से हमारा रिमाइंडर आएगा। तो मैं कह सकता हूं 10^100 और 10^101 इन्हीं से रिमाइंडर आएगा। इनसे रिमाइंडर आएगा तो मुझे 6 से डिवाइड करना है। अब यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा, यहां से रिमाइंडर 4 बचेगा, और 4+4 जुड़कर कितना होगा 8/6। अगेन डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद 6×1=6, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस केस में आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये था आपका सेकेंड कंसेप्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। आज की वीडियो का जो थर्ड कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट है आपका वो क्या है, देखिए कंसेप्ट थर्ड अगेन इस तरह के क्वेश्चन से पहले एक चीज आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं ये साइन अगर किसी नंबर के साथ लगाता हूं तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फैक्टरों को चाहने वाला, मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूं कि जिस नंबर पे ये सिंबल लगा है उससे सारे फैक्टर नीचे इसके अंदर मौजूद है। लाइक एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2×1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3×2×1, इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4×3×2×1, तो इस तरीके से 100 ऑन फैक्टोरियल पर चलता रहता है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी पे है, क्या है देखिए, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख देगा। क्वेश्चन होगा कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल up to मान लीजिए 50 फैक्टोरियल और इसको हमने डिवाइड करना है 5 से। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। अब हमें पता है कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करना है किसी नंबर से तो वो तभी डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 देगा जब ये नंबर ऊपर बनता हो। फॉर एग्जाम्पल 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमें पता है कि 12 को 3 पूरा पूरा डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि 12 के फैक्टर में 3 आता है, इस तरीके से 3 आता है तो हमें पता लग गया कि ये 3 इस 3 को कैंसिल कर रहा होता है, बेसिकली वो 12 को कैंसिल नहीं कर रहा होता। और आप कह देते हो कि रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि नीचे भाग देने वाली संख्या अगर ऊपर है तो आपका शेषफल कितना रहेगा 0 रहेगा। बस इसी बात का इस्तेमाल यहां हुआ है। देखो कैसे, अगर मैं ध्यान से इन टर्म्स को ओपन करता हूं, मुझे डिवाइड करना है 5 से तो इतना तय है कि जो भी नंबर इनमें से भाग होगा उसके अंदर 5 तो होना ही चाहिए, 5 तो होगा ही होगा। तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल को लिखूं तो 1, 2 फैक्टोरियल को 2×1, 3 फैक्टोरियल को 3×2×1, फिर 4 फैक्टोरियल 4×3×2×1 प्लस 5 के अंदर आप अगर देखोगे आगे ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यहां हमारा पहला 5 आ गया है। अब एक बार बताओ 5 के बाद 6 फैक्टोरियल अगर आएगा तो उसके अंदर ये तो सारे फैक्टर होंगे, यानी कि 5 भी होगा, 7 के अंदर भी 5 होगा, 8 के अंदर भी होगा, मतलब इसके बाद सभी नंबर्स में गुणा में क्या होगा 5। और जब वो 5 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर कितना देंगे फटाफट बताओ, और रिमाइंडर सीधा हो जाएगा 0, यानी कि इसके बाद रिमाइंडर क्या रहेगा 0। तो अगर रिमाइंडर बचेगा तो वो इन टर्म से बचेगा क्योंकि इनमें से किसी में भी 5 नहीं है। तो अब हम इनको पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि मुझे इसको 5 से भाग करना है। तो 4×3=12, 12×2=24, 3×6=6, 24×6=30, और 2×32=1=33। तो 33/5 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। क्वाइट सिंपल कि सिर्फ आपने ये देखना है कि पहली बार 5 कहां से आना शुरू हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल में पहला 5 आएगा, उसके बाद 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, हर नंबर में इसके बाद 5 होगा, यहां से लेकर यहां तक 5 नहीं होगा। और मल्टीप्लिसिटी ये कहती है कि वही नंबर डिवाइड करेगा जो ऊपर मौजूद होगा या जिस मल्टीपल में होगा। अब यहां तो कोई भी नहीं है, यहां तो इनमें से किसी में 5 नहीं है, तो मैंने इनको जोड़ा, डिवाइड किया, यही मेरा क्या होगा फाइनल रिमाइंडर होगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आप वीडियो को रोक के सॉल्यूशन को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अगला क्या है कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल up to 50 फैक्टोरियल और डिवाइड करना है 12 इस पूरे को। तो अब मुझे 12 को डिवाइड करना है तो क्यों ना मैं एक चेक कर लूं कि 12 पहली बार किस फैक्टोरियल में आ रहा है। चलो देखते हैं, आइए 1 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 1, 2 को करोगे तो 2×1, 3 को करोगे 3×2×1
और इसके बाद चार फैक्टोरियल आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके बाद तो कुछ भी है, यहाँ चार तीय 12 बन रहा है और ये यू का यू नंबर हर अगले फैक्टर में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद रिमाइंडर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि सारी टर्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी। तो आपके पास ये तीन टर्म बच गई है, ये तीन टर्म, इन तीन टर्म को जोड़ो, 3 × 2 6, 6 × 2 8 और 1 9, 9 को 12 से भाग करोगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करोगे तो वही क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो सिंपली हमने ये सीखा इस थर्ड कंसेप्ट के अंदर कि जब भी कभी आपको ये चेक करना हो कि किसी नंबर से डिवाइड करना है तो आपने पहली बार ये चेक करना है कि वो रिमाइंडर किस फैक्टोरियल से आना स्टार्ट कर रहा है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसके बाद हमेशा रिमाइंडर जीरो होगा, उससे पहले वाले चेक कर लो कि रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, वही आपका क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा। चलिए हम लिखिए क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए लिखिए, होमवर्क है आपका कि क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए, इसको अपनी कॉपी पे कीजिए और पोस्ट कीजिए सॉल्यूशन में कि 1 × 2 × 3 × 4 × up to 100 डिवाइड इसे करना है 6 से और आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है और आपको इसको पोस्ट करना है। चलिए आज ये तीन कंसेप्ट ही मैंने डिस्कस करने थे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रख रहा हूं, तो अगले कंसेप्ट के साथ, अगले डिविजिबिलिटी के साथ मैं जल्द हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो क्यों ना फिर इसको सब्सक्राइब किया जाए, शेयर किया जाए, लाइक किया जाए और साथ में कमेंट करना ना भूलें, अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वो भी बताएं, कुछ सुझाव है तो वो भी बताएं। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा सेटअप को तैयार करेंगे, अच्छे वाला सेटअप लेके आएंगे, तो ऐसे ही आपके सामने हम डिस्कस करते रहेंगे। और एक चीज़ और चाहता हूँ, आप में से जो भी जिस चीज़ की वीडियो आप चाहता है तो इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे इस चीज़ की बनानी है, तो अगली वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।